बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशाज किचन। आज हम बना रहे हैं लेमन टी केक। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बेकिंग के लिए सबसे पहले मोल्ड को रेडी कर लेते हैं। अब उसको ब्रश से और लगाएं अच्छे तरीके से। मोल्ड को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है, अब इसको साइड कर दें। अब तीन डंडे लें, बड़ी साइज को इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। अब चीनी लें 140 ग्राम, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, फिर इसको बीट करें। अगेन चीनी डालें, उसको अच्छे से बीट करें 3 से 4 मिनट। अब लेमन रस का पील डाल दें 17 ग्राम। इसको फिर से बीट करें। इस तरीके से आपको बनाना है, ये देखिए। अब इसमें ऑयल डालेंगे। अब इसमें 130 मिलीलीटर ऑयल डाल दें। फिर से अच्छे से बीट करें। आप केक को जितना अच्छा बीट करेंगे आपका केक भी उतना ही अच्छा बनेगा। डालने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें दूध डालेंगे, सारी लिक्विड वाली चीजें एक साथ डालेंगे इसमें। अब इसमें दूध डालें 160 ml, फिर से बीट करें। अब इसमें लेमन जूस डाल दें 35 ml, फिर से बीट करें। मिक्सचर हमारा बीट हो गया है, अब इसको अलग कर दें। अब इसको साइड कर दें लिक्विड वाली चीजें को, अब हम ड्राई वाली चीजें लेंगे। 260 ग्राम हमने मैदा लिया है, अब उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 पिंच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 पिंच इसमें सॉल्ट डालेंगे। अब इसको मिक्स करेंगे।
अब इसमें छानकर मैदा डाल दें जो हमने अभी बनाया था, जिसमें बेकिंग सोडा भी डाली थी, बेकिंग पाउडर भी डाला था। मैदे को अच्छे से छान लें ताकि इसमें एयर भर जाए और उसकी कुतलियां भी टूट जाएं। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। अब इसको स्पैचुला की मदद से आराम आराम से मिक्स करें, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। ध्यान रखें कि इसकी हमने जो अभी एयर बनाई थी बीटर से वो खत्म ना हो, वरना आपका केक कितना अच्छा नहीं बनेगा। बस इसकी गुत्तियां तोड़नी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैदे को हमने मिक्सर में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देखें। अब हम इसको डालेंगे बेकिंग ट्रे में। अब इसको मोल में डाल दें। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। अब हम इसको ओवन में बनाएंगे 175 डिग्री पर 40 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं 40 मिनट के बाद। लेमन टी केक हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब आइसिंग शुगर लें, उसमें एक चम्मच लेमन जूस डाल दें भर के। इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको अच्छे से मिक्स करें।